किन लोगों के लिए है ये?
बोलते हैं विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणाना, ये अलग अलग प्रकार के विषय दिखाई पड़ता है, भेद दिखाई पड़ते हैं, और इस भेद में व्यवहार करते हुए जिन लोगों की बुद्धि इक्षण मतलब अंतकरण मोहित हो रहा उन लोगों की ये स्थिति है। क्षणाना विशेष इक्षणाना इक्षण विविध विषय धर्म ग्राही, अलग अलग प्रकार के जो विषय है, विषय के अंदर जो धर्म है, विषयों के धर्म ही उसके अंदर जो धर्म उसको ग्रहण करने से मतलब ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध उसकी सुंदरता को तरह क्या हो गया ग्राही मुक्त हो गया। मुक्त हो गया क्या इच्छा अंतकरण मन जैसे मतलब देख वो मुक्त होकर के देखता रहता है, कोई सुंदर जो वस्तु को देखा तो उसको देखकर मुक्त होकर के देखता रहता है। इस प्रकार के व्यक्तियों का और फल तो क्या होता है वो डरता भी है उससे, और इस प्रकार के व्यक्ति को जो आप उनकी मुग्धता उनके मोह को नाश करने के लिए जो मुख है तो प्रणत तो भय बृहद उसके भय को नाश करने के लिए जो ब्रह्म है उस ब्रह्म को मेरा नमस्कार। तो क्या हो गया कि भगवान भास्कर पहले देखिए जो ब्रह्म अथवा नारायण व्यापक तत्व को नमस्कार करने के लिए जन्म रहित तत्व जन्म हुआ जैसा कैसे एक मतलब अज्ञानता के कारण तत्व की अज्ञानता के कारण जन्मांतरित संस्कार से मुझे वस्तु में अनेक हो गया जैसा जिसमें गति आगति होना संभव ही नहीं है फिर भी कार्य ब्रह्म रूप धारण करके गति आगति स्वर्ग मर्त पाताल गति भी करते हैं और इसी प्रकार से वही एक व्यापक पूर्ण तत्व अनेक रूप धारण करते हैं। अब ये जो अनेक रूप धारण करते हैं इस अनेक रूपों में जिसका मन लगा हुआ है उस व्यक्ति के लिए जो संसार भय है उस भय मिटाने के लिए उसको प्रणाम उसके प्रति मन झुकाना पड़ेगा उस ब्रह्म को मैं नमस्कार यद ब्रह्म तन्मात्रस्मि। ठीक है ये चीज एक पूरा समास पद है विविध विषय धर्म ग्राही मुग्धे क्षणानाम इक्षणानाम मतलब विविधस्य तद विषयस्य विविध विषय। ठीक है ना फिर तेषां धर्म अलग अलग विषय अलग अलग विषय के अलग अलग धर्म उस धर्म को ग्रहण करना उस धर्म को ग्रहण करना उसको लेकर के व्यवहार करना इससे मोहित हो गया जिन लोगों के अंतकरण उन लोगों के लिए क्षणानंद का मतलब इक्षण धातु है टू ऑब्जर्व और उससे लुट प्रत्यय हुआ तो इक्षण बना उसका षष्ठी बहुवचन इक्षणाना इक्षण देखने वाले लोगों का उसको क्या होगा कि उसका मन में तो डर हो जाता है क्योंकि आज अच्छा लगता है और हर चीज़ संसार में जो इस समय सुखदायी है वही हमारा दुख में परिणत होता है ना सारा दुख में बसर हम विवेक इस प्रकार से जब उसका विवेक जागृत होता है तो उसको भय को मिटाने के लिए प्रणत भयो विहंती मतलब यदि आप भगवान के प्रति मन को झुकाएंगे उसके प्रति आप धीरे धीरे समर्पित होंगे तब क्या हो जाएगा संसार भय मिट जाएगा। इस प्रकार का व्यापक तत्व है व्यापक तत्व मैं नमस्कार ठीक है इससे क्या दिखाया गया कि प्रणत मतलब मुक्त इक्षणाना ये हमारी अंतकरण है ना ये अंतकरण ही अपना क्रिया के कारण चार प्रकार के फंक्शन के कारण अलग अलग नाम से कहा जाता है मन बुद्धि चित्त अहंकार है ना एक ही अंतकरण वृत्ति की भिन्नता से उसको चार नाम से कहा जाता है। ठीक है मन क्या कहता है संकल्प विकल्प करता है किसके आधार पर करते हैं चित्त भूमि में जो संस्कार है उसके आधार पर और उसका मतलब वहाँ पे अच्छा हो रहा है संस्कार बैठा ये अनुकूल है ये प्रतिकूल इस प्रकार भावना को लेकर के चिकन करता है साथ में अहंकार मदद करता है कि मैं मेरे लिए और वही मन बुद्धिवृत्ति को धारण करके जब निश्चय करता है वही मन जब बुद्धिवृत्ति को चित्त संस्कार को छोड़ करके बुद्धिवृत्ति को धारण करके जब निश्चय करते अरे ये सब तो मेरा कल्पना ही मात्र है उसी चिंतन मात्र से को क्या होता है वो मुक्ति की अनुमति को धीरे धीरे मुक्ति की अनुमति भी प्राप्त करता है। इसीलिए हमारे यहाँ पे एक श्लोक आया कि श्लोक कहाँ मतलब उपनिषद का श्लोक आया वो ये बोलते हैं बंधायो विषया संगो मुक्तो निर्विषय मन मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष मन एवं मनुष्याणाम कारण मन ही तुम्हारा बंधन के कारण ही है और मन ही तुम्हारा मुक्ति के कारण ही है। में भी ऐसी एक शब्द है उपनिषद का श्लोक है बंधाय विषया संग मुक्तो निर्विषय मन मन जब विषय से रहित हो जाता है वही मुक्ति स्थिति है। इसलिए मन एवं मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष मन का काम है संकल्प विकल्प मन का काम संकल्प विकल्प बुद्धि का काम निश्चय निश्चयात्मिका बुद्धि बंधाय विषया संग मुक्तो निर्विषय मन मुक्त निर्विषय दोनों प्रकार चित्त का काम क्या है चित्त का काम है कि वो टेप रिकॉर्ड करता है संस्कार को रिकॉर्ड करता है।
अहंकार का काम मैं करता रहता हूँ। मैं परिच्छिन्न में हूँ, परिच्छिन्न में अहंकार को जो दस्य में इसको अस्मिता शब्द के द्वारा बोला है वो क्या करता है कि व्यापक चेतन को बुद्धि के साथ मिला करके परिच्छिन्न कर देता है। मैं पूर्ण हूँ व्यापक, और जैसे अंतकरण में प्रतिफलित हुआ वो अपने को परिच्छिन्न देखने के बस उसी में वो स्टैंप लगाता है मैं यही। और बुद्धि निश्चय करते हैं तो क्या हुआ कि देखिए एक ही मन मतलब अंतकरण जब चित्त भूमि के संस्कार को लेकर के अब बाहरी वस्तु को मतलब सुंदरता को देख करके मुग्ध होता रहता है यही इसका बंधन अथवा दुख के हेतु। और वही मन जब ये निश्चय करता है, क्या निश्चय करता है, बाहरी वस्तु में कोई सत्तत्व नहीं है, कि पारमार्थिक सत्य वस्तु नहीं है, ये निश्चय करने पर क्या हो जाएगा जो वस्तु जिस प्रकार देखिए रात भर में हम कितना स्वप्न देखते हैं और उसका कुछ उठकर जब उसका थोड़ा ही बहुत याद रहता है बाकी अधिकतर भूल जाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से माया निद्रा में शो करके यदि हमको ये निश्चय रहता है कि ये हमारा कोई काम का नहीं है, क्यों, एक जन्मांतर के संस्कार से माइंड की हमारे चित्त भूमि ये संस्कार भी आ गया कि ये स्वाप्निक वस्तु हमारा काम का नहीं, ये उसको रिमाइंड नहीं करता। जागृत वस्तु में हमारे भावना बैठी हुई है कि ये हमारे काम के हैं, परंतु क्या था उसको रिमाइंड करते हैं और रिमाइंड करके उसके इंप्रेशन चित्त भूमि जाता रहता है, इसलिए जागृत की याद रह जाता है, स्वप्नों की याद कम। अब जैसे शास्त्र बढ़ते आपके मन में ये हो जाएगा बुद्धि का निश्चय, अरे जागृत वस्तु भी हमारा कोई काम का नहीं है, तो ऑटोमेटिकली आप देखने पर संबंधित चिंता भी आपको कम हो जाएगा, उसका रिकलेक्शन माइंड में रिकलेक्शन वो भी हमारा कम। ये चीज मतलब आप अपने स्टडी करने से देखने की जो बोले ना परिणाम ताप संस्कार दुख, यही है ये जो परिणाम ताप और इसका संस्कार से हम हमेशा यही हमारा दुख का हेतु होता है, हमेशा हमारा दुख का ही हेतु है कि जितना हम इसको भावना करते जाएंगे स्वप्न का वस्तु हमारे लिए कोई काम का नहीं, क्योंकि वो हमारा प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। अरे जागृत वस्तु आपका कौन सा प्रयोजन सिद्ध करता है, आपके लिए जागृत वस्तु आपका कौन सा प्रयोजन सिद्ध करता है, एक तो जागृत की वस्तु स्वप्न काल में कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करता ये तो निश्चित है, परंतु जागृत की वस्तु जागृत काल में भी प्रयोजन सिद्ध नहीं करता, थोड़ा विचार करके देखिए जिस व्यक्ति को सामान्य जिस व्यक्ति को हमने विश्वास किया था ये हमारे भविष्य में काम आएगा पैसा दे करके पढ़ाया लिखाया वही व्यक्ति हमारे सामने रहे तो भी कल भी अलग कर देता कभी अपने भी दूर चले जाते हैं, जागृत का वस्तु जागृत काल में भी सब प्रयोजन सिद्ध नहीं करता। अब देखिए जो खाना पीने से हम सोचते हैं कि हमारा शरीर पुष्ट बलिष्ठ होगा वही से सब बीमार भी होते हैं, क्या सब प्रयोजन सिद्ध होते हैं, क्या सब प्रयोजन सिद्ध है, उससे हम बीमार भी होते हैं। कई वस्तुएं किसी भी जागृत वस्तु में जिससे हमको लगता है कि हमारा कुछ प्रयोजन सिद्ध करेगा पर जो समय में देखना आपका प्रयोजन सिद्ध नहीं करता, इस जैसा स्वाप्निक वस्तु वैसे जागृत वस्तु। अच्छा और भी क्या है, हम लोग सत्य किसको बोलते हैं, त्रिकाल अबाधत्यम सत्यत्यम, जो कभी व्यभिचार नहीं करता जो हमेशा एक रूप में रहता है उसको हम सत्य बोलते हैं। जागृत की एक वस्तु दिखा दो जो अब व्यभिचारी है, आज एक रूप में कर दो निरंतर परिवर्तन परिणत होता ही रहता है निरंतर, इसलिए जागृत और स्वप्न में कोई विशेष भेद नहीं था। ये स्वप्रयोजन इसको लेकर के कल जो हम कौन सा श्लोक पढ़ रहे थे, पाँच नंबर श्लोक पर एक बार परिणाम मनुष्य मन के ऊपर जिसका कंट्रोल है ना, मन को जिसने अपने बस में कर उनकी दृष्टि में जागृत और स्वप्न में कोई भिन्नता नहीं। जब तक हमारा मन विविध विषय मुक्त मुक्तक्ष वहाँ तक संसार की शब्द स्पर्श रूप की सुंदरता से मुक्त होता रहेगा तब तक संसार सकते कौन सा, परंतु जैसे ही आपके मन में धीरे धीरे मन को कंट्रोल करने का कैपेसिटी आ जाता है और निश्चय करती है बुद्धि की नहीं ये जो वस्तु दिखाई पड़ी हमारे बारे में कोई सिद्ध करने वाला नहीं है तो मन अपने आप में से उसको रिकलेक्ट करने का फिर रिकलेक्ट करने का परम तो बसर जो भी हो जाएगा तरफ मुकदमे भी समाप्त हो जाएगा वो फिर माइंड में इंप्रेशन नहीं डाल पाएगा इसलिए हम बोलते हैं भेदाना ही समत्य न मतलब वहाँ पे विद्यमान जो भाव वस्तु है भेदाना उसकी समता है क्या समता है वहाँ पे प्रसिद्ध नहीं वह हेतु ये प्रसिद्ध है तो पहले तो आपने बोले थे दृश्य दृश्य मतलब ग्राह्य ग्राहक भेद एक ग्रहण करने योग्य वस्तु और एक ग्रहण करने वाला
सात्विक वस्तु का भी ग्रहण करने वाला स्वप्नदृष्टा पुरुष है और जागृत वस्तु भी ग्रहण करने वाला जागृत दृष्टा पुरुष है, जिसका हमने वहाँ पे विश्व और तेजस नाम से कहा। वो और जो वस्तु को विषय को देखते हैं, तो जहाँ पे एक ग्राह्य ग्रह भेद है, वो ये भेद जहाँ पे होगा वहाँ पे मिथ्या ध्यान देना। ये थोड़ा सा बोल रहे महाराज, आप तो ग्राहक को भी मिथ्या बोल रहे हैं। बिल्कुल बोल रहा हूँ, क्यों? क्योंकि पहले बोल करके आया अभावश्य रथादीनाम श्रूयते न्याय पूर्वक, वहाँ पे चकार के द्वारा क्या लिया गया था? देखने वाला नहीं, मतलब वो जो वस्तु वहाँ पे नहीं है उस वस्तु का ज्ञान वहाँ पे हो रहा है। ज्ञान भी सही कह, ज्ञाता की निश्चय मतलब ज्ञाता की व्यभिचार नहीं है, ज्ञान की व्यभिचार वो भी थी। जो ग्राह मतलब जब जब मैं अपने को सोचता हूँ कि मैं इसको ग्रहण करने वाला हूँ, मैं पर है ही नहीं वहाँ पे कोई वस्तु, किसको विनाश करूँ तो किसको जानता, ये दोनों चीज में एक और है। ग्राह्य ग्रह भाव जहाँ तक आएगा, मतलब मैं ग्रहण करने वाला, मैं प्रकाश करने वाला, ये भाव भी अपने अंदर होता है, ये भी कोई पारमार्थिक भाव नहीं है। ये ग्राह्य वस्तु के सापेक्ष में ग्राहकत्व शब्द मान है, साक्ष्य वस्तु के सापेक्ष में मैं साक्षी हूँ, दृश्य वस्तु के सापेक्ष में दृष्टा हूँ, परंतु जहाँ दृश्य नहीं है वहाँ दृष्टा कहाँ पे हो? जहाँ पे साक्ष्य वस्तु नहीं है तुम किसका साक्षी हो? जहाँ पे ग्राह्य वस्तु नहीं है तुम किसका ग्राहक हो? एक तुम्हें तुम्हें एक तुम्हें पूर्ण व्यापक होती तुम्हारा, अभी तुम्हारे की कल्पना है। इस कारण से भी जागरूक हो सकते पारमार्थिक सत्य नहीं है। इसके ऊपर हमने कुछ एक लाइन पढ़ा था शायद, ठीक है। स्वप्नवत जागरित मिथ्यात्व स्वप्न निद्रा ऋतु इत्यादि जागरित स्वप्न शब्द प्रयोग युक्त, जागृत काल में भी स्वप्न शब्द प्रयोग किया अथवा अन्य जगह भी हमारे यहाँ पे अग्रहण और अन्यथा ग्रहण, अग्रहण और अन्यथा ग्रहण दोनों जगह पे बराबर है। स्वप्न और निद्रा से जुड़ा हुआ है, स्वप्न हो गया आपका अन्यथा ग्रहण और निद्रा हो गया अग्रहण, है कि नहीं? अन्यथा गृहत स्वप्न निद्रा तत्व अजान विपर्यासित तूर्य पदमस्तु के, मतलब स्वप्न हो गया अन्यथा ग्रहण और निद्रा हो गया अग्रहण। ये जागृत और स्वप्न दोनों अग्रहण अन्यथा ग्रहण से जुड़ा, दोनों सेम कैटेगरी का पहले भी बोल कर इसलिए ऋषि को स्वप्न दृष्टा कौन कर? ऋषय मंत्र दृष्टा, ऋषय मंत्र दृष्टा। तो स्वप्न जागृत मिथ्या के स्वप्न निद्रा जो इत्यादि जागृत स्वप्न शब्द युक्त भगवती स्वप्न, वहाँ पे श्लोक को लेकर के स्वप्न जागृत स्थानी एक माहू मनीष, स्वप्न और जागृत दोनों में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, है ना? ये विवेकी लोग बोलते हैं, अविवेकी लोग तो सोचता है कि स्वप्न जागृत का समय स्वप्न हम सब अगले स्कूल आएगा आपको और एक ही दूर दो तीन दिन और देख लेंगे, तो हमारे मन में जितना शंका हो सकता है सारा शंका मिटा देंगे। उभयत्र एकत्वं, ठीक है, उभयत्र एकत्वं विद्वत् अभिमतं इति अत्र हेतुः। ये मतलब उभयत्र मतलब दोनों स्थान में भाव वस्तुओं का जो धर्म वो एक ही प्रकार की है, भाव वस्तु का धर्म मतलब वो पारमार्थिकता नहीं है उसमें। उभयत्र मतलब स्वप्न जागरिते, एकत्व मतलब मनोर उसमें जो है समान धर्म वाला है वो, ये विद्वत् अभिमतं तो विद्वान पुरुष अभिज्ञ व्यक्ति को ये सामान्य व्यक्ति नहीं समझ पाता इसके अर्थ का हेतु महा, क्योंकि भेदान समत्ते न, वहाँ पे जो भेद वस्तु में मतलब जो भाव वस्तु वहाँ पे दिखाई पड़ता है उसमें समता है, क्या समता है? ग्राह्य ग्रह भाव से भिन्नता वहाँ पे दिखाई पड़ता है। प्रसिद्ध है नहीं भेदन मतलब दृश्यत्व हेतु, मतलब क्या हो गया? एक दृश्य और दृष्टा है, ग्राह्य और ग्राहक है, दृश्य हो गया ग्राह्य, दृष्टा हो गया ग्राहक, ये भेद वहाँ पे है। इस कारण से दोनों में जो है समता है, जागृत वस्तु जागृत वस्तु में समता है। टीका में फिर भेदा वहाँ पे ना भेदा ना भी समत्य न, भेद मतलब क्या हो गया? विद्यमान भाव भेदा मतलब भेद अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है जो विद्यमान वस्तु, अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है जो विद्यमान वस्तु, उसमें यहाँ पे भेद शब्द द्वारा का भेदा विद्यमान भाव भिन्न रूप में प्रतीति हो रहा है जो भाव वस्तु, तेषाम अवस्था द्वयवर्तिना ग्राह्यत्व ग्राहकत्वम अविशिष्टम, ये दोनों अवस्था में विद्यमान तेषां भावानां, तेषां मतलब हो जाएगा मैं हमेशा बोला जब कहीं आपका प्रोनाउन आता है वो किसको रेफर करता है थोड़ा वहीं पर रुक करके खड़ा होकर देख लीजिए, तेषां भावानां अवस्था द्वयवर्तिना मतलब जागृत और स्वप्न दोनों अवस्था में विद्यमान रहने वाले उन भाव वस्तुओं का क्या है वहाँ पे? ग्राह्यत्वम ग्राहकत्वम, वहाँ पे एक ग्रहण करने वाला स्वप्न दृष्टा पुरुष हो गया ग्रहण करने वाला, सात्विक वस्तु हो गया ग्राह्य, इस पर जागृत दृष्टा पुरुष हो गया ग्रहण करने वाला और जागृत वस्तु का ग्राह्य, इस प्रकार ग्राह्य ग्राहकत्वम अविशिष्टम दोनों जगह में समान रूप में।
और दोनों के संबंध में कल भी बताया था, जब कभी भी हम स्वप्न देखेंगे क्या देखेंगे, जागृत रूप में ही आप अधिकता देखेंगे। आपका स्वप्न जब कभी भी आते आप सोए हुए हैं तो आप डॉक्टर को व्यवहार करते हुए देखेंगे, ये आपका जागृत स्थिति है। इसलिए जागृत को छोड़ करके स्वप्न नहीं, इसलिए स्वप्न और जागृत में कोई विशेष भेद नहीं, कार्यक्रम भाव है ना, कार्यक्रम अभिन्न है हमारे। फिर टीका में तेना दृश्यत्वेन हेतुना प्रसिद्धम एव तेषां मिथ्यत्वेन समर्थम। इस कारण से, क्या कारण से, तेन दृश्यत्वेन हेतुना, तेन तृतीय वचन है, इस दृश्यत्व रूपी हेतु के द्वारा प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है सब जानते हैं, तेषां मिथ्य प्रसिद्धि किसमें है, शास्त्र प्रसिद्ध है, विद्वत प्रसिद्ध है, अब मतलब अविद्वत प्रसिद्ध अभी उनकी प्रसिद्धि नहीं है, प्रसिद्धम एव तेषां मतलब तेषां भावानां मिथ्यत्वेन समर्थम, दोनों मतलब जागृत स्वप्न भावना मिथ्या दृष्टि से दोनों ही समान है, दृष्टि मिथ्यत्वेन समर्थम। तेन स्थानयोर एक रूपत्वम, इसलिए दोनों स्थान में एक ही प्रकार की स्थिति है, विवेकी नाम अभिमतम, अविवेक के लिए नहीं, विवेकी व्यक्ति के लिए यह अभिप्रेत है, जागृत स्वप्न में कोई विशेष भिन्नता नहीं है, ठीक है ना। स्थानयोर एक, केवल कह तो दोनों में थोड़ा भिन्नता रखना पड़ेगा, नहीं तो आप पक्ष और स्वपक्ष सिद्ध नहीं कर पाओ, बनाया था ना, स्वपक्ष किसको बोलते हैं, निश्चित साध्य वाला स्थान को स्वपक्ष बोलते हैं, और संदिग्ध साध्य वाला को पक्ष बोलते हैं, और निश्चित साध्य अभाव को विपक्ष बोलते हैं, स्वपक्ष पक्ष स्वपक्ष विपक्ष, पक्ष मतलब हुआ जहाँ पे आप कुछ वस्तु को लेकर के संदेह हो रहा है, संदिग्ध साध्यवान पक्ष, बाहर में आग है कि नहीं है इसको लेकर के संदेह हो रहा है तो इसको हम पक्ष बोलते हैं। आपने कहीं कोर्ट में भी ऐसा लैंग्वेज होता है ना कि आपका स्वपक्ष में कौन है, आपका विपक्ष में कौन है, और जिस किसको आप सिद्ध करना चाहते हो वो आपका पक्ष, आप जिसको सिद्ध करना चाहते हैं मतलब ये व्यक्ति निर्दुष्ट है, ये सिद्ध, ये हमारी पक्ष है, इस हमारे पक्ष में बोलने वाला ये व्यक्ति है, हमारे विपक्ष में बोलने वाला ये व्यक्ति है, क्योंकि हमारा न्याय का सारा भाषा ये हमारे कोर्ट में प्रयोग, न्याय दर्शन की सारा भाषा अधिकतर कोर्ट में प्रयोग, तो यहाँ पे स्वपक्ष मतलब क्या होता है, जहाँ पे साध्य को लेकर मतलब ये व्यक्ति निश्चित हमारे पक्ष में बोलेगा, और विपक्ष मतलब हमारे पक्ष में कभी नहीं बोलेगा, ये व्यक्ति हमारे पक्ष है मतलब यहाँ पे हमारे साथ है कि नहीं, हमें संदेह हो रहा है, संदेह हो रहा है, इसलिए संदिग्ध साध्यवान पक्ष, यहाँ पे ये निश्चय हो गया, क्या हो गया कि यहाँ पे ये हमारे पक्ष में है, क्या स्वप्न हमारे पक्ष में है, स्वप्न हमारे पक्ष में है, ठीक है ना, और हमारे यहाँ पे विपक्ष कुछ नहीं है, क्योंकि हम तो सारा चीज को पक्ष बना दिया, विमान जगत पूरा पूरा जगत हिरण्यगर्भ से लेकर के चतुर्थ ध्वजे दशम को पक्ष बना दिया, और उसमें उसी में एक अवस्था को हमने स्वपक्ष बनाया, स्वप्न अवस्था स्वपक्ष बनाया, बाकी सारा पक्ष कोटि में आ गया, तो विपक्ष सर सर्वम मिथ्या, तो विपक्ष किसको मानोगे सर, इसीलिए विपक्ष कोई है ही नहीं, तो यहाँ पे और स्वपक्ष का पक्ष, और विपक्ष बोलते हैं जहाँ पे निश्चित शब्द का अभाव, निश्चित शब्द मिथ्यत्व का निश्चित शब्द का अभाव कहाँ पे है, एकमात्र आत्मा, ये विपक्ष है, ठीक है, एकमात्र आत्मा होंगे विपक्ष मतलब जो कभी भी मिथ्या हमेशा सत्य है, इसका हमारा परिभाषा इस शब्द का परिभाषा क्या है, त्रिकाल अबाधत्यम सत्यत्म, तीन काल में जो कभी व्यभिचार नहीं करता उसको हम सत्य बोलते हैं, अब भाष भगवान शंकराचार्य भी ये जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म स्वरूप लक्षण जहाँ पे कहा वहाँ पे उस तत्व स्वरूप लक्षण के समय सत्यम शब्द का अर्थ करते हैं, जद रूपेण जद निश्चयते तद रूपम कदापि न व्यभिचरति, जद रूपेण जद निश्चयते तद रूपम कदापि न व्यभिचरति, उसको क्या बोलते हैं सत्यम, जद रूपेण निश्चयते तद व्यभिचरति तद अमृतम, ऐसा कहते हैं उपनिषद के भाष्य में भगवान शंकराचार्य ऐसा लिखते हैं, तो इसी प्रकार से यहाँ भी ये समझना चाहिए, हम देखते हैं क्या अधिष्ठान कभी व्यभिचार नहीं करता, हमेशा एक रूप में रहता है और उसके ऊपर हम सारा कल्पना करते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे आत्मरूपी अधिष्ठान शुद्ध आत्मशुद्ध अधिष्ठान में हम मन वासना के साथ अपने कल्पित वस्तु को देखते रहते हैं, इसलिए वो विकार है, अधिष्ठान शुद्ध अधिष्ठान दृष्टा नहीं, शुद्ध अधिष्ठान अधिकार है, ठीक उसी प्रकार से जो जागृत काल भी ऐसा ही शुद्ध अधिष्ठान वहाँ पे अहंकार और इंद्रियों के साथ मिलकर के विषय के साथ व्यवहार करता रहता है, परंतु दोनों जाकर समर्थ क्या है ग्राह्य ग्राहकत्व भाव समान, इसलिए जहाँ तक ग्राह्य ग्राहकत्व होगा, इसलिए मतलब बुरा नहीं समझना कोई किसी को ठोकने के लिए नहीं, कोई कहता है मुझे बहुत अच्छा दर्शन हुआ वो हुआ ये हुआ, बोलते हैं हमको लगता है कि हमें तो नहीं हो रहा है तो हम तो
हमारा साधना ही ठीक नहीं होता, परंतु जब शास्त्र पढ़ने के बाद आपको जब निश्चय हो जाता है, जब तक एक ग्राह्य वस्तु रूप में हम दिखाई दे रहे हैं कोई बात मत दिखते हैं, जब ग्राह्य वस्तु होता है तो ये कोई हम इसे निषेध नहीं कर रहे, वो साधन जिसको अच्छा लगता है करे, परंतु हमारी मन से जब निश्चय रहता है आप भी दूसरी बात कहें किसी को हम बोलेंगे कि रामो हम बोलेंगे तो बैठा के आपको पीड़ेगा, इसका भी ऐसा नहीं होगा, शिवो हम बोलो फिर भी शायद हो जाएंगे, ठीक है ना, रामो हम नहीं बोलते यहाँ पे दास हो गए, तब वो दास बोलना पड़ेगा आपको, तब वो बोलेगा नहीं दो का हटा देगा, इसी प्रकार से चलते रहते हैं आपस में, पर इतना सामान्य है जहाँ तक ये भेद बुद्धि है, वो भेद बुद्धि मिथ्यात्व क्या दुख के हेतु है, भेद बुद्धि दुख के हेतु होते हैं और हम दुख मिटाना चाहते हैं इसलिए भेद बुद्धि मिटाना है ना, द्वितीया कोई भय भवति, आप निर्दिशय नित्य आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, और फंडामेंटल कंसेप्ट यह है जब तक भेद दिखेंगे तब तक हमको ये अच्छा ये बुरा भाव रहेगा और वही हमारे लिए दुख का हेतु होगा, इसलिए भेद को मिटा, जैसे ही मिट जाएगा भेद जहाँ तक आपका ग्राह्य भाव जब तक रहेगा तब तक वो आपके लिए दुख अथवा सुख का हेतु होगा, परंतु वो तथा कुछ देर के लिए होगा, जैसे ही आप समाधि से उठेंगे आप फिर व्यवहार में आ जाएंगे, फिर बेहतर व्यवहार करने लग जाएंगे, इसलिए सहज समझ में रहने की कोशिश करें, हमेशा उस वैभव कथा सूत्र कोई ग्राह्य ग्रह भाव से ये भाव में आना ही नहीं है, ठीक है हम इस प्रकार के साधन के लिए हमारे लिए भी उपासना हमारे लिए क्या होता है कि मन को एकाग्र करने के लिए मदद करते हैं, उतना तक हम उपासना की मदद लेते हैं, अब यदि कोई कहता है कि ये हुआ हमको ये दर्शन हुआ ऐसा हुआ, अब घबराना नहीं ना उसको बोलना कि तुम गलत हो, ये भी नहीं बोलना और ये भी नहीं समझना कि हाय हमारा साधन तो हो ही नहीं रहा, ये नहीं समझना, जब वेदांत तो पढ़ते हो तब अपने सिद्धांत के ऊपर पक्का रहो कि हम किसी वस्तु को विषय रूप में देखने के लिए साधन नहीं कर रहे, हम निर्विशेष अपने स्वरूप को समझना चाहते हैं, तब आपके पास सारा दृश्य चल रहा है, इसलिए आप बोलते हैं दृश्य तो कुछ नहीं अनुभव केवल अनुभव को समाप्त हो जाता है और इसका कोई और फल नहीं है, ये नहीं सोचना कि अनुभव होने पर मेरा सर 20 सर 40 हाथ पैर हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, अब सर वर्ग पहुंचे कुछ नहीं, सर वो रहेगा ही नहीं आपके पास, किसको जानेंगे, एक अपने को भिन्न करके जानने के लिए, ये जो है ये भाव यदि मन में निश्चय हो जाता है ना तो आपका साधन भी मतलब जिसको हर चीज़ को निषेध करने में आपका तीव्र निष्ठा आ जाएगा, हर चीज़ को निषेध करने में तीव्र निष्ठा आ जाएगा, अरे हमारा कोई काम हमारे कोई ठीक है प्रब्ध को सब उस तरीके से साथ दे रहा है बल्कि हमारे साथ इसका सामना नहीं, ये निश्चय आते धीरे धीरे आप स्वरूप में स्थिर हो सकते हैं, सिद्धम ही योग्य देशादि अभावेन स्वप्न से मिथ्यात्म स्वपक्षत्व कीर्तन दृश्य तेन हेतुना प्रसिद्धम मिथ्यत्व समर्थन तेन स्थानीय एक रूपत्म विवेकिना अभिप्रेत, इसलिए दोनों स्थान में एक ही रूपे की प्रकार क्या ये विवेक व्यक्ति का ये अभिप्रेत है निश्चय रहता है, जब पूर्व अनुमानकम प्रमाण सिद्धम तस्व फलम, ये जो पहले जो अनुमान दिया था इस अनुमान प्रमाण के द्वारा जिसको सिद्ध किया था उसी का ये फल है, उसी का ये फल है, जब पूर्वम अनुमानकम प्रमाणम, अनुमान क्या किया था आपने विमतम मिथ्या दृश्यत्वात् स्वप्नवत्, इस अनुमान का फल क्या है, क्या फल होगा, स्वप्न और जागृत में कोई भिन्नता नहीं है, जैसा स्वप्न ये व्यवहार करते समय सामान्य व्यक्ति को लगेगा स्वप्न सत्य है, आप मन को बार बार बोले आए जागृत तो स्वप्न से कुछ भिन्न वस्तु नहीं है, अपने मन को बार बार ये निश्चय बुद्धि की तरह निश्चय करो, जब व्यवहार करते हो ये भी सपने से भिन्न कोई नहीं, ये हमारे को सब प्रयोजन है पूर्ण प्रयोजन निभा नहीं पाएगा, हमें परम पुरुषार्थ तो सिद्ध नहीं कर पाएगा, ऐसा करते करते हर साधन तक छोड़ दे बस चुपचाप अपने ये स्थिति है परमार्थ से बना लेगा, इसलिए बोलते हैं कि जागृत पूर्ण ध्यान कि मिथ्यात्व समझ तीन स्थान एकत्र विवेक अभिप्रत पूर्व अनुमान कम प्रमाण सिद्ध है, जो पहले अनुमान नामक प्रमाण के द्वारा सिद्ध हुआ था तस्य एव फलम, उसी का फल क्या है, स्थान द्वयो अविशेष रूपम, ये दोनों स्थान में कोई भिन्नता नहीं है, जागृत करने व्यवहार करते समय भी हमारे मन में निश्चय रहे, क्या निश्चय रहे, ये स्वप्न से भिन्न कुछ नहीं, तब क्या हो जाएगा जिस प्रकार साप्निक वस्तु को मैं दोबारा याद नहीं करता उसका इंप्रेशन मन में आने नहीं देता, इसी प्रकार जागृत व्यवहार करते हुए भी क्योंकि हम आप जानते हैं कि जो है क्या होता है कि ये जो इम्प्रेशन होता है तद अनुकूल अगला शरीर होता है,
एक प्रारब्ध भूख होता है। इस समय जब विवेक जागृत हो गया उस समय बहुत सावधान ये रहता है हम नया प्रारब्ध उत्पन्न न करें, नया प्रारब्ध उत्पन्न न करें। जिस जैसी जागृत व्यवहार करेंगे उस समय यदि हम वासना पूर्वक करेंगे कुछ तो क्या हो जाएगा, वो जिस इंप्रेशन पहले था ये हमारे लाभदायक अथवा सुख के वस्तु है उसी इंप्रेशन को लेकर के हम उसी वस्तु में प्रवृत्त हो रहे और फिर प्रवृत्त होते क्या किसी इंप्रेशन पर डीप हो रहे। अब इस समय प्रारब्ध वशत यदि अनुकूल वस्तु सामने आ रहा है तुरंत अलर्ट हो जाए नहीं इसके साथ हमारा ये हमारे कोई अनुकूल प्रतिकूल कुछ नहीं है तो नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं है। और ये वेदान्तोपनिषद पुरुषम वही अक्षति ये पुरुष जैसे रोज रोज व्यक्ति कितना चावल खाते हैं फिर भी चावल पूरा क्यों नहीं होता, क्यों पूरा नहीं होता क्योंकि नया चावल पैदा कर लेते हैं। इसी प्रकार जीव भी है समाप्त क्यों नहीं होता भोग के बाद क्योंकि नया प्रारब्ध उत्पन्न कर लेते हैं, नया प्रारब्ध उत्पन्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमको ये दृष्ट ये शब्द बोला ना इससे आपको सावधानी चलिए कितना सुंदर शब्द बोला तस्य फलम स्थान और विशेष रूपम अनेक श्लोके न उत्तम दोनों स्थान में समान होता है मतलब जागृत करने क्योंकि आपको जागृत को सुषुप्ति बना देना है, आपको जागृत को सुषुप्ति बना पहले भगवान शंकर जी प्रतिज्ञा किया तो आप जागृत को सुषुप्त बनने के क्या करना पड़ेगा हमेशा जागृत का व्यवहार करने मन को एक ये निश्चय रखो कि ये भी स्वप्न है ये भी स्वप्न है ये भी हमारा मनोकल्पित है अपने प्रारब्ध से कारण आया हुआ है कुछ देर में चला जाएगा अद्दंत बंत कौन इसका प्रतिकार की मत कोशिश करें। जब कभी भी कुछ आता है जहाँ तक हो सके उसको सहन अब जब कभी भी हम वर्तमान में रहने का कोशिश करें फ्यूचर अथवा पास्ट को लेकर के मत सोचें फ्यूचर अथवा पास्ट को सोचेंगे तो आप शरीर को लेकर के सोचेंगे। कभी भी आप देखें जब कभी भी आप फ्यूचर को लेकर के सोचते हैं यू आर कंसिडरिंग योरसेल्फ अथवा पास्ट की कोई घटना में कोई दुखदायी सुखदायी जो भी शरीर को लेकर के सोचते हैं तो हमेशा कोशिश करें वर्तमान में रहने की जो भी वर्तमान परिस्थिति हो मन को उनमें और मन को वर्तमान में रखने के लिए हमें इस चीज़ को रखिए कि बस ये जागृत भी स्वप्न है ये जो बोला नहीं सानोदय और विशेष रूप दोनों स्थान में कोई भिन्नता नहीं है एक ही प्रकार जागृत भी स्वप्न ही है अनेक स्वीकार की हमारी बौद्धिक निश्चय चाहिए ये बौद्धिक मन बोलेगा कि अच्छा है जन्मांतर संस्कार चित्त बनवा तो मदद करते हैं और यहाँ पे बुद्धि को क्या करना पड़ता है इसलिए मनुष्य ने बोला वहाँ पे बुद्धि को क्या समझाना पड़ता है नहीं मन ये तुम्हारे जन्मांतरिक संस्कार से तुम बोल रहे हो ये अच्छा है बुद्धि तुमने कई बार व्यवहार करके देख लिया तुम्हारे लिए शुभदायक नहीं हो इसलिए ये भी सपने हैं ये भी ऐसा निश्चय करो ये भी सपने ऐसा निश्चय करो ऐसा बार बार अभ्यास करते रहेंगे। मैं बोला ये आपके मानवीय कार्य शब्द भाष्य का छोटा लिखा पर बहुत साधन के लिए बहुत गहरी चीज बता दिया है कि आप जागृत को सुश्रुति कैसे बनाओ हमेशा देश समय भी कुछ व्यवहार करते हैं नए इंप्रेशन मन में नया प्रारब्ध उत्पन्न न हो जो प्रारब्ध आया उसको क्षय हो जाए नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं करूँगा दुख आने पर भी हम मैं दुखी हूँ इस भावना को मन में मानता नहीं दो सुख आने पर भी मैं सुखी हूँ इस भावना को मानता नहीं सुख अपने स्थान में ये सुख है ये दुख है परंतु मैं सुखी है मैं सुख दुख का प्रकाशक हूँ मैं सुखी दुखी नहीं मैं सुख स्वरूप हूँ मैं सुख जब तक सुख ढूंढते रहेंगे तब तक हम दुखी होंगे सुख ढूंढना बंद कर दो बस आप सुखी रहो आप सुखी रहो इस बताएगा विशेष हम अनेक श्लोके न उत्तम इसी को श्लोक के द्वारा कहती श्लोक योजनाएं दर्शयती इसी को श्लोक की अन्वय करते हुए भगवान भास्कर कहते हैं। देखिए टीकाकार क्या बोलते हैं इस श्लोक का अन्वय करते हुए भगवान भास्कर ये कहना चाहते हैं क्या कहना चाहते हैं जागृत काल व्यवहार करते समय बुद्धि की तरह निश्चय रखो ये भी स्वप्न है एक भी स्वप्न है चार नंबर टिप्पणी है हाँ ग्राह्यत्व ठीक बोला ग्राह्यत्व तो चार नंबर ग्राह्यत्व अवस्था दयोपी दोनों अवस्था कौन दोनों अवस्था जागृत अवस्था स्वप्नावस्था अपि ग्राह्यत्म अनात्मन ग्राह्य कौन हो गया अनात्मन और ग्राहक कौन हो गया आत्मन ठीक है ना ग्राहकत्म च आत्मन अविशिष्टम आत्मा पे जो ग्राह्यत्व ग्राह्य है ग्राह्य के सापेक्ष में हम अपने को ग्राहक मान रखा ग्राह्य वस्तु जब अपना स्वरूप हो जाएगा तो अपना ग्राह्य रहेगा ना ग्राहक रहेगा ना ग्राह्य ना ग्राहक रहेगा इसलिए बताएं ये दोनों अवशिष्ट है अवस्था दय की ग्राह्य तब अनात्मन ग्राहक तब चात्मन अविशिष्ट मिति अर्थ दोनों स्थान में यही इसका अभिप्रेत है। अब भाष्यकार की एक लाइन प्रसिद्ध नेव प्रसिद्धेन एव भेदाना ग्राह्य ग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन ये जो वस्तु हमें दिखाई पड़ रहा है वो दो कैटेगरी में विभाजित है दो कैटेगरी में विभाजित है एक कैटेगरी हो गया आपका ग्राह्य एक कैटेगरी हो गया ग्राहक एक कैटेगरी। अब देखिए किसी चीज़ को ग्रहण करने के लिए किसी चीज़ को ग्रहण करने के लिए आपको कोई ग्रहण का करण चाहिए
जिस समय आप किसी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं उस समय जिस समय मैं अपने को ग्राहकत्व का आरोप किया उस समय मैं मन अंतकर्म के साथ आध्यात्म करके व्यवहार करता हूँ, नहीं तो ग्राहकत्व नहीं हो सकता इसमें, इसलिए ग्राहकत्व भी मिथ्या है, ग्राहकत्व भी मिथ्या है। यहाँ तक लाना है, पहले मैं साक्षी हूँ ये बात को मन रखे निष्कर्ष में, परंतु साक्षित्व भी मिथ्या है, वो तो साक्ष्य के सापेक्ष में तुम साक्षी, यदि साक्ष्य नहीं है तो किसका साक्षी हो। इसलिए यहाँ पे बोलते हैं प्रसिद्ध ने भेदे भेदाना ग्राह्य ग्राहकत्वेन हेतुना समत्वेन ग्राह्य ग्राहक रूप हेतु का समान होने का स्वप्न जागृत स्थान यो स्वप्न स्थान जागृत दोनों स्थान में एकत्व में प्रशस्ति दी वचन है ना सप्तमी ने जगत सप्तान दोनों का एकत्व मतलब ये दोनों एक ही कैटेगोरी का है। आहू ऐसा बोलते हैं कौन लोग बोलते हैं विवेकिन मतलब मनुष्य का अर्थ करते हैं विवेकिन थी पूर्व प्रमाण सिद्ध से फलम पहले अनुमान प्रमाण के द्वारा जो सिद्ध हुआ ना उस अनुमान प्रमाण का यही फल है। क्यों अनुमान क्या कहा जागृत मिथ्या विमत मिथ्या दृश्यत्वा स्वप्नवत, तो यहाँ पे क्या होगा स्वप्नों को दृष्टांत तो दे करके आपने जागृत को मिथ्या का अनुमान कर सिद्ध कर लिया, फल तो क्या हुआ इसका फल क्या है कि व्यवहार काल में ये भी स्वप्न है ये भी स्वप्न की तरह मिथ्या ये आपके मन में जगा रहे। क्या शब्द सुंदर शब्द बोला देखा पूर्व प्रमाण सिद्ध एवं फलम पूर्व अनुमान प्रमाण की तरह क्या सिद्ध किया जागृत भी स्वप्न जैसे इसका फल कैसे अनुभव करेंगे जागृत काल में व्यवहार करते समय बुद्धि को हमेशा अलर्ट रखना है क्या रखना है ये भी स्वप्न प्रसंग बस तब आप धीरे धीरे आप जो है सुषुप्ति अवस्था में पहुंचे इससे अपने आप ही छूट जाए। जिस प्रकार स्वप्न दिखे रात भर में कितना स्वप्न देखते हैं यदि आपने 6 घंटे सोया तो आप बेल लगा के देखना कि आपको जो है 3 घंटे तक स्वप्न चलता रहा मतलब क्या क्या चलता रहा आपको पता ही नहीं है दो एक तो याद ठीक इसी प्रकार जागृत में भी हो जाए कभी कभी ऐसा मतलब आपको लगेगा खाया कि नहीं खाया जो याद नहीं रहता वो सुषुप्ति है जहाँ कुछ भी विषय का संस्कार नहीं सुषुप्ति अवस्था में तो बीज रह जाता है नहीं जो आप बोलो ना सपने में कुछ याद रहता है कुछ याद रहता है कुछ याद नहीं रहता नहीं वो सुषुप्ति नहीं है सुषुप्ति में तो दृश्य ही नहीं है कुछ देखेंगे नहीं तो सपने आप कुछ कुछ देखना रात में कुछ देखा था याद करने का कोशिश कर रहे नहीं याद अचानक क्योंकि थोड़ा एक बिंदु कुछ आ जाएगा हम उसको देखा था कैसे देखा था क्या देखा था कुछ नहीं आता ये इसी प्रकार आपका जागृत में हो जाएगा जब ये निश्चय हो जाएगा क्या व्यवहार किया नहीं किया उसके ऊपर कोई इंपॉर्टेंस नहीं क्योंकि व्यवहार में तत्व प्रारंभ कारण शरीर जो प्रारंभ लेगा तत्कारण हो रहा है तत्कारण बस ऐसा यदि धीरे धीरे निश्चय कर पाएंगे तो एक समय आप जागते अवस्था में सुषुप्त अवस्था में आ जाएंगे सुषुप्त में क्या हो जाएगा वो उसका संस्कार जो अंदर जाकर के बीज रूप में रहता था वो फिर बीज नाश हो तो संस्कार संस्कार तैयार नहीं होगा तो प्रारब्ध समाप्त होते एक प्रारब्ध समाप्त होते ही क्योंकि संचित प्रारब्ध आपका क्या हो गया वो तो ज्ञान से नाश हो जाएगा जो प्रारब्ध फल दे रहा है मतलब क्रियमान कर्म के रूप में जाए उसका से संबंध नहीं होगा और प्रारब्ध भोग के बिना समाप्त नहीं होगा भोग के बाद नया प्रारब्ध उत्पन्न नहीं होने के कारण फिर आप उसी से जीवन यहाँ तक अब एक नया चीज़ और बोल करके आ रहा है अभी मैं बोला कि देखो हम लोग सत्य किसको बोलते हैं जो तीनों काल में एक रूप रहता है और जो उत्पत्ति क्योंकि जो उत्पत्तिशील होगा वो विनाशशील होगा जाता से ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम निर्मृत तो जो वस्तु की उत्पत्ति होता है मतलब वह तो पहले नहीं था और मरने के बाद भी नहीं दिखाई देगा तो इस प्रकार की वस्तु जो है कि हम सत्य नहीं बोलते वेदांतिक परिभाषा भाषा के अनुसार जो पहले नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा बीच में कभी थोड़ा सा आपको दिखाई भी देगा वो कोई पारमार्थिक वस्तु नहीं प्रतीति मानती है। इस प्रकार मतलब जब तक मैं नहीं देख रहा था वहाँ पर मरुभूमि में कभी पौंड तालाब नहीं था पानी नहीं था जैसे ही मुझे दिखाई दिया उस समय हमें तालाब में प्रतीति हुई फिर किसी ने बता दिया थोड़ी देर चलने के बाद वहाँ पर जल नहीं है वो तो एक प्रतीति मात्र है फिर भी वहाँ पर जल तब उस समय जल बुद्धि वहाँ से निकल गया पहले एक जल बुद्धि हुई और उस जल बुद्धि कुछ देर तक रिटेन किया पहले नहीं था जब तक हमने नहीं देखा था तब जल बुद्धि नहीं थी जब हम थोड़ी देर के लिए देखा तो जल बुद्धि एक बैठी हुई है और फिर किसी ने कह दिया कि नहीं वहाँ पर जल नहीं है तो जल बुद्धि का तो जो पहले मतलब इस प्रकार दृष्टि सृष्टि बात को लेकर के बोल रहे हैं जैसे आपने दृष्टि दिया यहाँ पे क्वांटम थ्योरी भी ऐसा है क्वांटम क्लब्स वेर देर इज नो ऑब्जर्वर वो ऑब्जर्वर के लिए वो विद्यमान रहते हैं तो यही चीज है कि हमारे की जैसे हम देखा तब हमारे सामने वस्तु प्रतीति हो रही है और जब हम नहीं देखते हैं तब वस्तु नहीं है अथवा जब हमको बहुत ज्ञान हो जाता है तब भी वस्तु नहीं रहता इसलिए इस कारण से भी हम इसको मिथ्या बोलते हैं
टीकाकार देखे आगला श्लोक के लिए सुंदर अपेक्षा दे रहे। जागृत दिशानाम भावानाम मिथ्यात्म, जागृत में दिखाई दे रहा है जो भाव वस्तु उस वस्तु में मिथ्यात्व है। इति अत्र अनुमान, इस विषय में एक अनुमानांतर बोल रहे हैं। अनुमान मतलब एक हेतु अंतर बोल रहे हैं, बाकी अनुमान के प्रयोग नहीं रहेगा। विमतम मिथ्या, ये तो ठीक हेतु को बदल देंगे, हेतु को बदल देंगे। और वहाँ पे मित्र वहाँ पर जैसा स्वाप्निक वस्तु को दृष्टांत को लेकर दिया था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रातिवस्तु भ्रांत वस्तु को लेकर के दृष्टांत। मृग मरीचिका वध पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है ना, इसलिए हम बोलते हैं जागृत दृश्यानाम भावानाम, जागृत में दिखाई दे रहा है जो भाव वस्तु वो मिथ्यात्म मिथ्यात्म इति अत्र अनुमान अंतर। इस विषय में एक अनुमान अंतर को मतलब हेतु अंतर को बोलते हैं, अनुमान से हेतु अंतर। अब आ जाइए उपश्लोक में, आदावन्ते च जन्नास्ति, आदावन्ते च जन्नास्ति, वर्तमानेऽपि तत्तथा, वर्तमानेऽपि तत्तथा, वितथहि सदृशः सन्तो, वितथहि सदृशः सन्तो, वितथैव लक्षितः, वितथैव लक्षितः, आदावन्ते च जन्नास्ति, वर्तमानेऽपि तत्तथा, वितथहि सदृशः सन्तो, वितथैव लक्षितः। मारे वितथा होगा या अवितथा होगा, श्लोक पढ़ते समय तो वितथा ही पढ़ेंगे, अर्थ करते समय अवितथा करेंगे। तो आदा आदो अंते च जन नास्ति है ना, हमारे देखने से पहले जो नहीं था, और देखने जब ज्ञान हो जाएगा अथवा देखना बंद कर दूंगा तब भी वो नहीं रहेगा। जो आदो अंते च जन नास्ति, जो पहले भी नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, बीच में थोड़ी देर के लिए दिखाई पड़ता है, वर्तमान में भी, वर्तमान में भी वो नहीं है ऐसे ही समझना, वर्तमान में भी वो नहीं है ऐसा ही समझना। ये चीज यदि व्यवहारिक जीवन को भी यदि हम अपना पाते हैं ना, तो आपका व्यवहार कभी दुखता ही नहीं, आपका व्यवहार कभी दुखता ही नहीं। कुछ देर के लिए कोई वस्तु को प्रिय है जो आपके पास पहले नहीं था, आपने चाहे बाजार से लाया अथवा अपने पास आया, तो आपने उसको पहले नहीं था और आते ही आपने उसको अपना लिया, और मेरा है ये इतना तत्पना मतलब वस्तु धर्म है, वो एक ना एक दिन आपसे अलग हो ही जाएगा, तो फिर आप दुखी हो जाएंगे। मतलब उसी समय यदि मन की निश्चय रहे ये पहले भी मेरे पास नहीं था और बाद में भी नहीं रहेगा, उस देर के लिए आया हुआ है, इसलिए ये मेरा इसके साथ कभी भी मेरे काम में शामिल नहीं है। और ये निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्य विदधे, किसी भी जगह पर ममत्व मत करो, इस भाव को लेकर के संसार की कर्तव्य कर्म को, कर्म योग की सूत्र में यही बताया, निराशी निर्ममो भूत्वा, ये निर्ममत्व मतलब क्या है कि उस मेरा ठप्पा मतलब ये मेरा, क्योंकि पहले भी तुम्हारे पास नहीं था बाद में भी नहीं था। एक बहुत बुद्धिमती पिता थे, उस एक छोटे एक परिवार में छोटा बच्चा पैदा हुआ, पिताजी व्यापार करते हैं, व्यापारी उस सुबह निकल जाता है शाम को आता है, तो आके जब जो निकलता है तभी बच्चा सोता रहता है, और जब वो आता है तब भी बच्चा सोता रहता है, तो देखता है बच्चा हिलता है सोता है तो खुश होकर के नहा धोकर खा पीस हो जाता है, तो बच्चा बीमार चल रहा है, व्यापार से व्यस्त था, पत्नी को पैसा दे दे डॉक्टर को भी कर, परंतु बच्चे एक दिन गुजरे। तो पत्नी बहुत बुद्धिमान थी, वो देखा दिन भर मेहनत करके ये व्यक्ति हमारे घर में आते, उसको मैं फोन से बताओ तो घर तो पिता के पुत्र के पति होती है, बहुत गहराई चोट लगेगा, तो कुछ नहीं बोला, वो घर में आया नहाया धोया खाया पिया, जब भोजन समाप्त होते जा रहे तब एक बोलने की, देखिए इस बच्चे के जन्म के समय आपने एक नया कढ़ाई खरीद के दिए थे ना, वो पड़ोसी ने मांगा था, मैंने उनको दिया था, तो वो कुछ दिन मैं नहीं मांगा, आज याद आया तो मैं मांगने गया, तो वो बोलते कि वो तुम्हारा कढ़ाई कब का हुआ, तुम्हारा है। तो वो पुरुष बोल रहे, अरे कुछ दिन के लिए उनके पास रहे, उसका उसका हो गया हमारा था। जब इतना बोला तब वो माता बोलती हैं पुरुष को, कुछ दिन के लिए भगवान ने हमें भी ये पुत्र दिया था, अब वो अपने आप ही दे दिया, वो मेरा पहले भी नहीं था अभी भी नहीं, पुरुष समझ गया
कि कुछ दिन के लिए कोई हमारे पास आता है, आधा बनते चाचा नास्ती वर्तमान भी तब तक कुछ दिन अगर हमारे पास हो भी तो वहाँ पर मत तो बुद्धि मत करिए कि वही हमारे दुख का हेतु हो। इसीलिए आप बोलते हैं कि आधा बनते चाचा नास्ती वर्तमान भी तब तक था, वर्तमान में भी वो आपके हमारे पास नहीं है ऐसा समझना चाहिए। ऐसा कैसा बोल रहे हैं महाराज, वो तो हमारे सामने सत्य साथ सत्य जैसे व्यवहार करते हैं और हम व्यवहार करते हैं उसको सुखी होते हैं दुखी होते हैं, तो बोलते बिल्कुल सही बोल रहे हैं। वो झूठ व्यक्ति वस्तु से भी आप सुखी दुखी होते हैं। आपने आप देखिए संसार स्वप्नों काल में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ते प्रातिभाषिक है, परंतु सामने एक प्रातिभाषिक वस्तु से जो सुख दुख के अनुभव करते व्यवहारिक सुख दुख है। समझ में आ रहा है ये चीज, प्रातिभाषिक सापनिक वस्तु प्रातिभाषिक है। स्वप्न में मैं देख रहा हूँ मेरे को एक शेर भगा रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ दौड़ते दौड़ते डर के मारे दौड़ रहा हूँ और थक गए समय नींद खुल गया। अब देखना आपका अंदर है एक डर और भगा, वो व्यवहारिक है कुछ देर के लिए। ऐसा ही संसार का ही तो सुख दुख कुछ देर के लिए है। इसी प्रकार से कोई ऐसा ही कोई अच्छा वस्तु को देख कर शुभ अनुभव हुआ वो भी व्यवहारिक होगा। मतलब प्रातिभाषिक वस्तु से भी व्यवहारिक सुख भी आपको अनुभव में है, तो जब भी प्रातिभाषिक है व्यवहारिक सुख में क्या निश्चय क्या। इसे बोलते हैं वितथा सदृशा संत, ये मिथ्या होते हुए भी वितथे ही, मतलब मिथ्या वस्तुओं के सदृश होते हुए वितथे मिथ्या वस्तुओं के, वो वचन प्रयोग किया सदृशा संत, सारा मिथ्या मिथ्या वस्तु है उसके उसको सादृश्य मतलब उसके तुल्य होते हुए भी अभी तथा ही वो लक्षित सत्य जैसा प्रति होता है ना बीते थे सदृशा संत, मतलब वो जो है नहीं हो मतलब मिथ्या की तरह होते हुए भी सत्य की जैसा प्रतीति होती है, मिथ्या की तरह होते हुए भी सत्य की जैसे बीते थे सदृशा संत अभी तथा ही वो लक्षित संत का सब था। ना ना वो नहीं है यहाँ पे, अष्टधातु का पार्टिसिपल बनता है अष्टधातु का संत, हाँ सर उसका सत का होता है संत संतो संत 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 अस धातु है अस टू बी अर्थ में आता है उसका पाठ सत्य सत उसका नॉमिनी क्वेश्चन है संत संत संतो संत ये प्रथम बहुवचन सदृश संत वितथे मतलब मिथ्या वस्तुओं का सदृश तुल्य होते हुए भी अवितथ सत्य जैसे ये वो देखिए लक्षिता लक्षित होता है प्रतीति होता है वो है नहीं तो प्रतीति ऐसा होता है कि सत्य वस्तु जैसा ही प्रतीति ऐसा होता है। इस हेतु को भी ध्यान रखना है। देखिए वहाँ पे एक पहले आधा बनते ऊपर एक टिप्पणी है आधा बनते इति अनयोः उत्पत्ति प्राग नाश अनंतर इति अर्थो बद्धौ, उत्पत्ति से पहले और नाश के बाद जो नहीं रहता, उत्पत्ति से पहले भी नहीं है नाश के बाद भी नहीं है। आप बोलेंगे वेदांत तो तुम तो ऐसा नहीं मानते, तुम तो सत्कार्यवादी हो। हम बोलते हैं हम सत्कार्यवादी नहीं है, हम सत्कारणवादी हैं। हम सत्कार्यवादी नहीं है, हम क्या है सत्कारणवादी है। सत्कार्यवादी है हमारे शंख, हम सत्कारणवादी, हम कारण हमेशा रहते हैं, कार्य हमेशा बैठे है ना। इसीलिए यहाँ पे बोलते आदौ अंते है ना इति अनयोर, इसका अर्थ क्या हो जाएगा उत्पत्ति प्राग उत्पत्ति से पहले है ना और नाश अनंतरम और नाश के बाद जो नहीं रहता उसको आदौ बनते, ये दोनों समझना चाहिए। हम तो यहाँ पे दृष्टि सृष्टिवाद है, दृष्टि मतलब क्या है हम देखने से पहले भी वहाँ पर सर्प नहीं था और जब ज्ञान हो जाएगा तो देखना बंद करूँगा तब से। इसलिए आधा बनते चाहे नास्ती जो पहले नहीं था अभी भी वर्तमान भी करता था उसको ऐसे समझना चाहिए। किसी को समझाने के लिए मधुसूदन सदस्य जो अभी आया था यही संस्पर्श हो जाए होगा दुख हो जाना ये बताए अद्यंत बंत कौन तो नतिशूल आदि अंत वाला है। और वहाँ पे क्या बोला कि जो सुख वहाँ पे आदि अंत वाला हो जाए विषय के साथ जब इंद्रियों का संयोग होता है तो आपको सुख उत्पत्ति होता है, वो पहले नहीं था और उस संपर्क को छूट देने पर सुख नहीं रहेगा। आधा बनते चाहे नास्ती वर्तमान भी, वर्तमान में भी कोई वस्तु अगर आपको सुख देना है वास्तविक सुखदायक नहीं है, उसी के लिए तो हम दौड़ते हैं सुख के पीछे दौड़ते हैं, वास्तविक सुखदायक नहीं है और दुखानुमित है वो दुखानुमित है वो। इसीलिए आधा बनते चाहे नास्ती विषय इंद्रिय के संयोग से जो वस्तु आपको सुखदायक सुख दे रहा है जैसे प्रतिदि उत्पत्ति हुई आपको वो आपके साथ इंद्रियों का संयोग से पहले भी नहीं हुआ और इंद्रियों का संबंध छूटे तभी नहीं रहेगा। इसलिए वर्तमान में क्षणिक होते हुए वो नहीं है ऐसा सोचो, तब क्या हो जाएगा उस सुख का इंप्रेशन तुम्हारा माइंड में नहीं रहेगा क्योंकि वो सुख है। कैसे बोल रहे हो जन्मांतर संस्कार से ये हमारे अनुकूल प्रतिवेदन बोल रहे हैं, फलत हम सुख अनुभव कर रहे हैं
ठीक है ना, जैसे आप वहाँ पे निश्चय कर लेंगे तो थोड़ा इंद्र विषय इंद्रिय संयोग से प्रतीति मात्र है, ये शुद्धता वास्तविक नहीं है, तो क्या हो जाएगा, जन्मांतर इंप्रेशन फिर डिप नहीं होगा, वो धीरे धीरे ये चार पाँच बार दस बार ऐसा करते करते वो इंप्रेशन इरेज आउट होगा, और नहीं तो कहता प्रारंभ करता रहता है। यादा बनते चलन नास्ति वर्तमान पितर तथा वितथे सदृशा संत है, वो उसके सदृश्य होता हुआ अवितथा इव जैसा सत्य है, जैसा देखिए अपने बोलते सत्य है ये नहीं इव मतलब सत्य जैसा लक्षित होता है, सत्य जैसा लक्षित होता है प्रतीति होती है, सत्य जैसा प्रतीति होती है। यहाँ पे फिर टीका में आ जाएंगे, यदि जागृत दृश्य भावा मिथ्या तेन प्रसिद्ध स्वप्ना दिवि समत्वात मिथ्या कथम तारी तही तेषाम घट सन पट सन इति अमृषतेन प्रतीति इति आशंक आह। अब जब यही कहना चाहते जागृत दृश्य भावा, जागृत में दिखाई दे रहा है जो भाव वस्तु भावा मिथ्या तेन प्रसिद्ध स्वप्नादि भी समत्वा, वो मिथ्या रूप में प्रसिद्ध है, क्यों, क्योंकि स्वप्न के समान होने के कारण स्वप्नादि भी आदि से क्या लेंगे स्वप्न अथवा भ्रांति स्थल, भ्रांति स्थल जाति भ्रांति स्थल समत्वा ये मिथ्या है। यदि ऐसा ही है तो मैं कैसे बोलते तो घट है पट है मठ है, ये हम बोलते हैं ना, ये देखिए सत शब्द का मैस्कुलिन नॉमिनेटिव सिंगुलर घट सन पट सन है ना, घट सन पट सन ये जो है ना, अब यदि आप एक शब्द करेंगे घट पटो संतो घट है पट है ऐसा करके क्यों बोलते, ये तो मिथ्या है, अब कैसे बोल रहे है घट है पट है, ये थी अमृषा तेन प्रतीति, वो सत्य रूप में प्रतीति होता हमें दिखाई पड़ता है, जो घट है पट है जैसे होता है जैसे प्रतीति होता है एक ऐसे होता है, ऐसा शंका करते हैं तो बोलते हैं वितथे वो मिथ्या होते हुए भी स्वप्न में वस्तु नहीं होते हुए प्रतीति कैसी होती है, स्वप्न में वस्तु नहीं होती प्रतीति कैसी होती है, वहाँ तो फिर भी ठीक है भाषण, परंतु जहाँ जहाँ पर सर्प नहीं है वहाँ पर हमको सर्प की प्रतीति कैसी होती है, रज्जु सामने उसको ठीक से देखा नहीं हमने और सर्प दिमाग उन दोनों को कैसे मिला देते हैं, अब उस समय जब तक कोई नहीं कहता तब तक वहीं पर सर्प है मेरे को खाएगा, बिल्कुल दृढ़ निश्चय रहता है, बिल्कुल दृढ़ निश्चय रहता है, कोई समझाने आता फिर बोलो नहीं नहीं मैं देखा स्वयं अपनी आँख से सर्प है। तो इसी प्रकार से वो बीता था वो मिथ्या होते हुए भी वो सत्य जैसे प्रतीति होते हैं, इसीलिए देशम घट सन पट सन यदि अपृषत्न मतलब वो मिथ्या नहीं है इस प्रकार से प्रतीति कैसे होता है, ऐसा शंका करते हैं तो उसको उत्तर स्रोत बोलते हैं वितथे ही वितथे सदृशा संत मतलब वो मिथ्या जैसा होते हुए भी और विधि सत्य जैसा उसकी प्रतीति होती है। अब जो है आगे देखिए बोलते हैं प्रकृति जागृत मिथ्यत्ते हेत्वंतर परतम श्लोक सुपर्णस्य, हमारा विचार किसको लेकर के चल रहा था, जागृत वस्तु मिथ्या है अरे ये प्रकृति मतलब ये हमारा विथ रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट जिसको लेकर के हम विचार कर इसको होता है प्रकृति ही प्रतिनाद दो नंबर टिप्पणी मतलब आरब्ध प्रतिपादन जो हमने शुरू किया था कहना क्या जागृत मिथ्या उसको प्रतिपादन के लिए जागृत मिथ्यत्ते प्रकृति क्या है जागृत मिथ्या है हेतुवंतर परत्तम एक दूसरा हेतु को बोधक एक दूसरा हेतु का बोधक श्लोक ये जो श्लोक है जागृत की मिथ्यात्व में एक दूसरा हेतु है क्या हेतु है अद्दंतवत्वात् जागृत मिथ्या अद्दंतवत्वात् सम्मतवत् जहाँ तुमको दिखाई दो वहाँ तो मान लो दृष्टांत में अपनी तरफ से सम्मतवत् जहाँ तुमको अच्छा लगे देख लो, इसलिए बोलते हैं जाग ही अनुमान है यहाँ पे प्रकृति जागृत मिथ्यत्व हेत्वांतर परत्तम श्लोक से उपन्यास श्लोक को सामने ला करके देखते हैं। तो आप जो है श्लोकों के भगवान भाष्य करेगी प्रतीक आगे इतस्य इस कारण से भी वैतथ्यम मिथ्या की भाव बैठा हुआ है कहाँ जागृत दृश्यानाम वैतथ्यम जागृत में दिखाई दे रहा है जो दृश्य वस्तु है उसमें मिथ्या की भाव बैठा हुआ है भेदानाम अद्यतोर अभाव क्योंकि वो जो भेद भेद रूप में अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है वस्तु वो आदि में और अंत में उसका अभाव हो जाने के कारण अभ्यंतर अभाव आदि में भी नहीं था उसका प्राग अभाव और प्रत्यक्ष अभाव से ग्रसित जो वस्तु होता है सत्य नहीं हो सकता उनकी भाषा है ठीक है ना, इसलिए हमें बोलते हैं अद्यंत अभाव उसको समझे आदो अंत्येच नास्ति वस्तु आदि में और अंत में वो वस्तु नहीं है। देखो पहले दृष्टांत क्या दिया मृगतृष्णिका आदि है ना मृगतृष्णिका मतलब वहाँ को सबसे अच्छा जाना समझाने के लिए मतलब क्या हो गया वहाँ पे पानी नहीं है हमने पेड़ पूजे मुझे प्यास लगा पानी चाहिए तो हम बाहर देखा तो अरे हो तो तालाब है वहाँ पे जाते कितना ये है दृष्टि से सृष्टि हो
विगत स्ने का तन मध्य अपनी नास्ती, जिस समय हम स्वयं जब वहाँ पर जाकर के देख लेंगे तो हम स्वयं निश्चय करेंगे। क्या निश्चय करेंगे? जिस समय मुझे दिखाई दे रहा है तो अभी पानी अथवा वर्षा को बीच में भी वो नहीं, त्रिकाल तीनों काल में उसका वहाँ पर अनुपस्थिति है। तब मध्य अपनी नास्ती थी निश्चितम लोके, इस प्रकार लोक का निश्चय तथा इमें ठीक इसी प्रकार जागृत दृश्य जागृत में दिखाई दे रहा है वस्तु भेद मतलब अलग अलग रूप में दिखाई दे रहा है। आद्यंतर अभाव मतलब उसकी उत्पत्ति से पहले नाश के बाद उसका अभाव होने के कारण विदित ही एवं मिथ्या के सादृश्य हो तो मतलब कैसे है मृग तृष्णे का आदि भी सदृश्य मृग तृष्णे का आदि भ्रांति में वस्तु दिखाई दे है उसी के सदृश्य होने के कारण वितथा एवं वितथा मिथ्या ही है तथापि फिर भी अवितथा एव लक्षित मिथ्या नहीं है सत्य जैसा है वो लक्षित है किनके द्वारा मूढ़ अनात्मविद भी अविवेकी व्यक्ति के द्वारा आत्मा को लेकर के विचार अधिष्ठान को लेकर के विचार नहीं किया जा विविध विषय धर्म ग्रह मुग्ध क्षणाना ये जो है ना जो विषय वस्तु को लेकर के बच्चों का शब्द लिखा विविध विषय मुक्त धर्मिक विविध विषय धर्म ग्रह मुग्ध अलग अलग विषय की धर्म को ग्रहण करके मोहित हो गया जिन लोगों का अंतकरण बुद्धि वो लोगों के लिए ये सत्य जैसा प्रतीक आज कौन सा करना है प्रज्ञा वैशाख वेद आज कितना दिन पाठ बचा है कल की पाठ प्रज्ञा वैशाख वेद शुभित जल निधे वेद काभोरे समुद्री कारुण्यादुद्धारामृगमिदमरे दुर्लभमूर्तयेतो यस्तं पूज्याभिपूज्यं परमम्।